एनडीए ने तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाकर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया है। हालांकि इस बार भाजपा को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया था, जिसके बाद एनडीए ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई। दरअसल पिछले दो बार के मुकाबले इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेवर थोड़े फीके नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले चुनावी विश्लेषकों और पंडितों से लेकर खुद भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत का अनुमान जताया था, लेकिन पार्टी चुनाव में बहुमत तक हासिल नहीं कर सकी। वो बहुमत हासिल करने के लिए 32 सीटों से चूक गई और इस बार सिर्फ 240 सीट ही जीतने में कामयाब रही। इस तरह 2019 के चुनाव की तुलना में बीजेपी को 63 सीटों का नुकसान हुआ है। पहले विपक्ष ने उन्हें संविधान बदलने के मुद्दे पर घेरा, फिर आरक्षण और अब अधिकारियों की लेटरल एंट्री पर मोदी सरकार बैकफुट पर है। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता ने पीएम मोदी को लेकर एक बड़ा दावा किया है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने एक्स अकाउंट पर एक ट्वीट करके सियासी गलियारे में भूचाल ला दिया है। बीजेपी के असंतुष्ट नेता ने पीएम मोदी को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी की है। क्या है वो भविष्यवाणी, आइए आपको भी बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने 17 सितंबर को 74वां जन्मदिन अपना मनाएंगे। उसके बाद वो अपने जीवन के 75वें वर्ष में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन इस दौरान सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर एक चिंतित भविष्यवाणी की घोषणा की है। भविष्यवाणी क्या, सीधे सीधे पीएम मोदी को चेता दिया है। चेतावनी ये कि अगर 17 सितंबर को अपने 75वें जन्मदिन के बाद पीएम अपने रिटायरमेंट का ऐलान नहीं करते हैं तो उन्हें दूसरे तरीकों से पीएम की कुर्सी खोनी पड़ेगी। स्वामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, अगर मोदी 17 सितंबर को अपने 75वें जन्मदिन के बाद आरएसएस प्रचारक के संस्कार के प्रति प्रतिबद्ध होकर मार्गदर्शन मंडल में जाने के लिए रिटायरमेंट का ऐलान नहीं करते हैं तो उन्हें दूसरे तरीके से अपनी पीएम की कुर्सी खोनी पड़ेगी। स्वामी का इशारा मोदी युग में 75 वर्ष के बाद सक्रिय राजनीति से संन्यास से जुड़े बीजेपी के एक अलिखित नियम की तरफ है। उम्र की वजह से पहले लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गजों को मार्गदर्शक मंडल में बैठना पड़ा, बाद में सुमित्रा महाजन जैसी नेता भी लोकसभा चुनाव में नहीं उतरे। सुब्रमण्यम स्वामी ने ये नहीं बताया कि आखिर वे दूसरे तरीके क्या होंगे जिनकी वजह से पीएम मोदी को अपनी कुर्सी खोनी पड़ सकती है। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में बीजेपी अकेले अपने दम पर बहुमत से काफी दूर है। हो सकता है स्वामी का इशारा गठबंधन की मजबूरी या फिर नैतिक दबाव की तरफ हो। स्वामी की पोस्ट पर कुछ यूजर्स ने भी तंज कसा है। फरागो अब्दुल्ला नाम के एक हैंडल ने लिखा, आपको तभी राज्यसभा सीट नहीं मिलने वाली। दर्शन पाठक नाम के एक यूजर ने पूछा है, सर तब आप दूसरे तरीकों से अब तक वित्त मंत्रालय क्यों नहीं हासिल कर लिए। एक अन्य यूजर ने लिखा, पीएम मोदी को तत्काल लाल कृष्ण आडवाणी के मंडल में शामिल होना चाहिए। खैर देखने वाली बात होगी कि 2025 के बाद क्या यहां पर सच में परिस्थितियां बदलती हैं, क्या बीजेपी और खासकर नरेंद्र मोदी के लिए सरकार चलाना मुश्किलों भरा रहने वाला है। फिलहाल इस खास वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।